सीबीएसई द्वारा घोषित प्लस टू कक्षा के परीक्षा परिणामों में डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवाया है। डीएवी हमीरपुर का परीक्षा परिणाम इस बार 100% रहा है। सत्र 2020-21 के लिए 12वीं कक्षा में विद्यालय के कुल 134 छात्र थे तथा सभी ने 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर स्कूल का नाम रोशन किया है। 134 में से 133 ने फर्स्ट डिवीजन में ये परीक्षा पास की है। 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को स्कूल प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आपको बता दें कि डीएवी पब्लिक स्कूल की अंशिका ठाकुर तथा ध्रुव चंदेल ने 97.6% अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अटल मिश्रा और आरुषि पुरी ने 97% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं अंशुल शर्मा, अंशक दत्त, शगुन गुप्ता, आशिया, आयुष ठाकुर, ईशा जसवाल, शिवम चोपड़ा, सौम्य तथा रीति सहित 35 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। स्कूल के 42 छात्रों ने 80% से अधिक अंक, 36 छात्रों ने 70% से अधिक अंक और 20 छात्रों ने 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूल में खुशी का माहौल है। अपने परीक्षा परिणाम से उत्साहित छात्रा अंशिका और ध्रुव ने कहा कि परीक्षा परिणाम से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं और परिणाम का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। कोविड-19 का समय काफी कठिन रहा, लेकिन अध्यापकों ने ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पूरी तैयारी करवाई, साथ ही क्राइटेरिया से भी उन्होंने संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने अपने परीक्षा परिणाम का श्रेय अपने अध्यापकों और अभिभावकों को दिया। बेटा, सीबीएसई का रिजल्ट आया है, कितने सेटिस्फाई हैं आप अपने मार्क्स? सर, आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव गिवन मी। आई हैव गॉट 97.6% एंड आई एम वेरी हैप्पी। कितना टफ रहा, कोविड टाइम था, कैसे रही तैयारियां और कितना हेल्प रहा आपको इस बार स्कूल की तरफ से? सर, इट वाज रियली टफ एज इट वाज कोविड टाइम एंड ऑल द क्लासेस एवरीथिंग वाज ऑनलाइन एंड देयर वाज नो फिजिकल टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, बट या आवर स्कूल हेल्प्ड अस एंड दे हेल्प्ड अस टू ओवरकम एवरी इम्पेडिमेंट एंड फाइनली द रिजल्ट इज गुड। सीबीएसई में जो ऑफलाइन पेपर थे वो नहीं हुए हैं, एक पैटर्न के तहत वो किया गया, कितना सेटिस्फाई हैं आप उससे? सर, देयर इज अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट दैट। मे बी इफ ऑफलाइन एग्जाम्स वर कंडक्टेड द रिजल्ट्स वुड हैव बीन समवट डिफरेंट, बट स्टिल सीबीएसई हैज जस्टिफाइड आवर रिजल्ट बाय मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड आई थिंक दैट इज वेल इनफ। मेरा नाम ध्रुव चंदेल है, मेरा सीबीएसई के रिजल्ट 97.6% मार्क्स आए हैं। मैं इसका शेयर अपने टीचर, अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। बेटा, कोविड के दौरान किस तरह से आपने पढ़ाई की? कोविड के दौरान पहले तो सुबह से लेकर दोपहर तक मेरी स्कूल की क्लासेस लगी थी, उस टाइम में पढ़ता था। उसके बाद दोपहर को मैं थोड़ी रेस्ट करता था, उसके बाद शाम को वापस में पढ़ाई करता था। आई स्कोर 97.2% इन 12th एग्जामिनेशन। इन दीज टफ टाइम्स वी हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, but daily revision of what teachers taught us, helped me a lot, and I would like to thank my parents, teachers and principal sir for this great achievement. Thank you. क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनीषुल शर्मा है। मैंने CBSE 12वीं कक्षा में 97% स्कोर किया है। कोविड के दौरान पढ़ाई के लिए दिक्कतें तो आई, पर हमारे टीचर ने ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी अच्छे से इसे हमारे तक एजुकेशन पहुंचाने का मतलब बहुत अच्छे से वो किया है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने टीचर्स, माता पिता और प्रिंसिपल सर को देना चाहता हूँ। छात्रों के साथ आए अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन तथा अध्यापकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि स्कूल की ऑनलाइन कक्षा के सुचारू रूप से संचालन के कारण ही बेहतरीन परीक्षा परिणाम सामने आए हैं। बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, जिस ढंग से सारा मतलब बना हुआ था कोविड की वजह से, तो जो भी हुआ एज पर दी कंडीशन ऑफ द टाइम ठीक है, अच्छा है। क्या समझते हैं, उम्मीद थी आपको बीटीएच में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद तो थी। अच्छा है, मिक्स्ड फीलिंग है मेरे एंड से
क्योंकि एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन जो सिचुएशन हमारा कंट्री फेस कर रहा था उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो सही है और अच्छा है। यानी सबसे पहले तो हेल्थ इज़ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, सेहत है तो सब कुछ है, तो उस एंगल से देखें तो इट्स अ गुड डिसीजन। स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बच्चों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगर चाह है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। विश्वास शर्मा ने कहा कि छात्रों ने कोविड 19 के मुश्किल समय में भी अपने हौसले तथा मेहनत को सर्वोपरि रखा, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने स्कूल के प्राध्यापकों को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों का भी धन्यवाद किया और कहा कि अभिभावकों ने भी बच्चों, स्कूल तथा स्टाफ का इस मुश्किल समय में बहुत साथ दिया है और ये सभी संयुक्त प्रयास से ही संभव हो सका है। I am very, very happy, immensely proud of the wonderful result of the collective efforts of the children, parents and teachers. COVID-19 की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ थी, mental stresses थे and it was a hectic task for all of the children also, parents and teachers, shifting from offline to online classes. मैं congratulate करना चाहूँगा अपने बिहाफ पे भी और स्कूल के स्कूल चेयरमैन श्री आनंद स्वरूप जी के बिहाफ पे, मैनेजिंग कमेटी एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स के बिहाफ पे, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को जिन बच्चों ने इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स, इतनी मुश्किलों, इतनी परेशानियों के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने लेवल से बढ़ चढ़ कर किया। और DAV हमीरपुर के सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे अपना फोकस रखेंगे और आगे एंट्रेंस में भी इससे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आई एम थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग द चिल्ड्रन एंड द स्कूल एंड कोऑपरेटिंग विद द टीचर्स आल्सो। वंस अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, ऑल द स्टेक होल्डर्स। वी आर थैंकफुल टू CBSE आल्सो फॉर कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन and being benevolent. Thank you very much. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि 97.6% के साथ दो बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है, अंशिका ठाकुर एंड ध्रुव चंदेल। ये हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी उम्मीदों के अनुसार। 90% एंड अबव में 35 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं इस कैटेगरी में, 80% एंड अबव में 42 स्टूडेंट्स हैं और 70% प्लस में 21 स्टूडेंट्स हैं। वी आर वेरी हैप्पी और इसका सारा श्रेय मैं बच्चों की हार्डवर्क को, टीचर्स की गाइडेंस को और पेरेंट्स के मेंटल सपोर्ट को। इस अवसर पर स्कूल कमेटी के चेयरमैन आनंद स्वरूप ने छात्रों तथा शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी DAV हमीरपुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ये साबित किया है कि मेहनत और लगन के आगे समय और परिस्थितियां भी झुक जाती हैं।